जोशी जी, कैसे आप? बस ठीक हूँ। बड़े छाए हुए आप मीडिया मीडिया में। अरे बस यू ही। प्रोसिक्यूशन हैज सबमिटेड टू द कोर्ट मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ द विक्टिम आकृति दवे नाउ डिसीज्ड और अनिकेत मोरे उर्फ छोटू 11 साल का बच्चा विटनेस, बुलाइए उसको। हाँ मैडम, वो सुबह से उसका पता नहीं चला है, हम ढूंढ रहे हैं उसे। ढूंढ रहे हैं? मंजे हॉस्टाइल हो गया विटनेस। क्या है भाले राव, क्या करते क्या है आप लोग? लिया द विटनेस इन द उसने हाथाई चलाना। द विटनेस इन द केस अनिकेत मोरे इन द ब्रैकेट छोटू एज 11 इयर्स टर्न्ड हॉस्टाइल बिफोर द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस। पुलिस रिपोर्ट में लिखा है आकृति दवे का कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है असॉल्ट का, दाखवा। या सीडी से कहीं खरन है, पेन ड्राइव है का? हाँ हाँ मैडम, लगाइए। सीडी और पेन ड्राइव चेक करके नहीं लाए थे? उसमें डेटा था मैडम। था मंजे? अपने आप ब्लैंक हो गया? मैडम किसी ने एविडेंस के साथ टेंपर किया है। अच्छा बर, मैं कौन करेगा ऐसे? पुलिस के रिकॉर्ड रूम में रहता है ना एविडेंस, तो टेंपर कौन करेगा? इंस्पेक्टर भालेराव, दिस इज अ हीनियस क्राइम ऑफ रेप एंड मर्डर, प्लीज बी सीरियस। या जोशी, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक रेप 22 सितंबर की रात को हुआ, लेकिन सदाशिव और गौरव रांदड़े उस रात उस पब में नहीं थे मैडम। वो दोनों भाई कॉर्पोरेटर डेविड कैमरॉन जी के साथ उनके फार्म हाउस पर गए थे। एज अ विटनेस, क्या मैं कॉर्पोरेटर साहब को विटनेस बॉक्स में बुला सकता हूं मैडम? थैंक यू। 22 सितंबर की शाम को 7 बजे से ये दोनों मेरे साथ ही थे मेरे फार्म हाउस पे। बहुत दिनों बाद मिले थे हम लोग, तो बात करते करते बहुत देर हो गया रात में, तो इनफैक्ट मैंने ड्रॉप किया इनको। थैंक यू कैमरॉन जी। ये झूठ है मैडम, 22 तारीख की रात को ये दोनों भी उनके ही क्लब डिवाइन में थे, जहां रात को रेव पार्टीज होती है और दिन में बच्चों के स्कूल बैग्स में ड्रग्स डालकर स्मगलिंग का धंधा किया जाता है। उस रात जब आकृति छोटू के साथ वहां पहुंची तो उसने सब देख लिया, और जब इन्होंने आकृति को अपने फोन पर सब रिकॉर्ड करते हुए देख लिया तो उन दोनों के बीच झड़प हो गई। आकृति ने जब पुलिस के पास जाने की धमकी दी तो इन दोनों को गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने आकृति का रेप कर दिया। दे रेप्ड हर इन अ फिट ऑफ रेज मैडम। एक मिनट मैडम, पुलिस को ड्रग्स से रिलेटेड वहां कोई सबूत मिला नहीं, और इस बात का भी कोई सबूत नहीं कि रेप डिवाइन पब के प्रीमाइसेस में हुआ था। यह है पुलिस की रिपोर्ट। किस बेसिस पर आर्गुमेंट कर रही है सावलकर जी? मैडम, मेरे क्लाइंट को इजी टारगेट समझकर फंसाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। मैडम, इन्होंने खुद पुलिस के सामने एडमिट किया है कि इन्होंने ही आकृति दवे का रेप किया है। हेलो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव, फॉर योर कैंड इंफॉर्मेशन, कोर्ट में पुलिस को दी गई स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होती है। आई नो मैडम अपने जॉब के प्रति ये ज्यादा सीरियस नहीं रहते मैं जानता हूं, लेकिन कम से कम इतना तो आपको मालूम होना चाहिए था ना। कोर्ट नीड्स एविडेंस। मैडम मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमें अगली तारीख दे दे, हम एविडेंस लेकर आएंगे। मैडम किस बेसिस पर अगली डेट मांग रहे हो? तुम्हारे पास ना कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई विटनेस है, ना कोई प्रूफ है, तो फिर किस बेसिस पर ये मेरे क्लाइंट को एक्यूज करना चाह रहा है संग्राम भालेराव? मैं बताता हूं, कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल खुन्नस निकल रहा है मैडम, बाकी कुछ भी नहीं है। मीरामार पुलिस स्टेशन में अपने ड्यूटी के पहले ही दिन पहुंच गए सदाशिव और गौरव रांदड़े के पब में, जबकि वो पब इनके ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर में नहीं आता। क्यों? एक्सटॉर्शन मैडम, एक्सटॉर्शन। सदाशिव और गौरव रांदड़े ने संग्राम भालेराव को जब हफ्ता देने से इनकार कर दिया तो ये बात ये जो भाई साहब डाइजेस्ट नहीं कर पाए मैडम, और आकृति दवे का जब रेप हुआ तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव ने मेरे क्लाइंट को रेप और मर्डर के इल्जाम में इस केस में फंसा दिया मैडम। क्यों? तो सिर्फ बदला। मैडम मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे ऑफिसर को सस्पेंड कर देना चाहिए। मैडम काश संग्राम भालेराव ने मेरे क्लाइंट के ऊपर इल्जाम लगाने के बदले में असली रेपिस्ट को ढूंढने में अगर एफर्ट्स लगाए होते ना, तो आज हमारे कोर्ट का वक्त बर्बाद नहीं होता। That's all.
मैडम एक मिनट, मेरे को कुछ बोलने का। मैडम वो दिल्ली का निर्भया केस तो याद ही रहेगा आपको, आप सभी को। मैडम वो रेप हुआ था 16 दिसंबर 2012 को, 2012। उस वक्त पूरा देश एक हो गया था, सब खड़े हो गए थे इंसाफ के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके अगले ही साल 2013 में अपने देश में 33,707 रेप, 2014 में 36,735 रेप, 15 में 34,651 रेप, 2016 में 38,937 रेप, 2017 और 2018 का रिकॉर्ड अभी भी बन रहे हैं। मैडम टोटल कुछ 1,80,000 रेप अपने देश में पिछले 5 साल में। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा है मैडम, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप सब देख सकते हैं, जोशी जी आप भी देख सकते हैं। मैडम इन केसेस के अलावा और कितने ऐसे केसेस हैं जो शर्म के मारे, डर के मारे रजिस्टर ही नहीं होते। पिछले साल एक 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ मैडम, 8 महीने की बच्ची। निर्भया हुआ तो पूरा देश जागा, लेकिन ये साले रेपिस्ट लोग, ये हैवान है मैडम, इनके अंदर का इंसान कभी जागेगा ही नहीं। ये लोग को डर नहीं है मैडम, ये लोग क्या सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, कोर्ट जाएंगे, फिर सेशन कोर्ट से हायर कोर्ट, हायर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सजा मिली भी तो क्या, पैरोल लेके बाहर। लेकिन ये बाहर निकलते रहेंगे ना मैडम, इनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी। फिर कल को क्या मालूम, कोई नेशनल कॉलेज में पढ़ने वाली कोई 16 साल की लड़की का भी रेप हो सकता है, जिसका नाम संध्या हो। आपकी लड़की का नाम संध्या है? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बेटी के बारे में बात करने की? I'm sorry madam, I'm sorry, extremely sorry. मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। मैडम आप जज हैं, पावरफुल हैं, फिर भी अपनी बेटी का नाम ऐसे सुन के आपको इतना गुस्सा आ गया। वो मजबूर बाप का सोचो मैडम, उसको कैसे लगता होगा? उसके अंदर भी उतना ही गुस्सा है मैडम, लेकिन क्या करेगा, पावरफुल नहीं है। हाँ लेकिन मानता है कि आपके पास वो पावर है जिससे इसको इंसाफ मिल सकता है। सिर्फ एक और तारीख मैडम, देश की एक बेटी देश की दूसरी बेटी के लिए इतना तो कर सकती है ना मैडम। इस तरह से लेक्चर छाड़कर कोर्ट को कंफ्यूज कर रहा है, ये डेट एक्सटेंशन की डिमांड बिल्कुल बेसलेस है। आज फ्राइडे है, मंडे कोर्ट खुलते ही मैडम इसकी बात में आकर आप ये जोशी, आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना चाहिए। कल जी मंडे सुबह कोर्ट खुलते ही कोर्ट को अपना जजमेंट देना होगा। पुलिस के पास 2 दिन है, तब तक सदाशिव रानड़े और गौरव रानड़े पुलिस रिमांड में ही रहेंगे।